सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको अगले साल के स्टार्टिंग में मार्केट में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नए साल के साथ ही सैमसंग ने तैयारी कर ली है कि अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को मार्केट में लेके आएंगे, और इसमें आपको बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स मिलेंगे, मिड रेंज सेगमेंट के, और इसके अलावा आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि सैमसंग की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर आपको भी वेट है सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स का, तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के बारे में। तो इसमें गैलेक्सी S21 सीरीज आने वाली है, जो कि 15 तारीख को लॉन्च होगी, और इंडिया में 29 जनवरी को ये स्मार्टफोन आएंगे। इस बार इस सीरीज के अंदर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें गैलेक्सी S21 स्मार्टफोन है, इसका प्लस वेरियंट है, और एक अल्ट्रा वेरियंट भी है। इन तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको टॉप नोट स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सैमसंग के अब तक के सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकते हैं। तो इस बार सैमसंग ने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, और जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट होगा वो होगा इनकी परफॉर्मेंस में। अगर हम बात करते हैं इनके प्रोसेसर के बारे में, तो कुछ मार्केट्स में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट देखने को मिलेगा, वहीं पे इंडिया जैसी मार्केट्स में आपको मिलेगा एग्जनोस 2100 चिपसेट। ये काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट है। और न्यूज़ निकल के ऐसी आ रही है, अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क की, कि स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर से भी ज़्यादा इंप्रूव्ड ये चिपसेट होने वाला है। इसके अलावा चाहे हम बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, कैमरा के बारे में, या फिर और फीचर्स के बारे में, हर चीज़ आपको यहाँ पर टॉप नोच देखने को मिलती है। तो अगर आपको अब तक के सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन्स चाहिए सैमसंग की तरफ से, तो गैलेक्सी S21 सीरीज का आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे मिड रेंज सेगमेंट मार्केट के लिए, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी A सीरीज की। गैलेक्सी A सीरीज में आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें काफ़ी प्रीमियम फीचर्स आते हैं, और यहाँ पे सैमसंग तैयार है इनकी नेक्स्ट जनरेशन के स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे गैलेक्सी A72, A52 और A32। इन तीनों स्मार्टफोन्स के साथ में पूरी मिड रेंज सेगमेंट की मार्केट को ये कवर करेंगे, और आप सबको पता है गैलेक्सी A51 और A71 कितने अच्छे स्मार्टफोन्स थे। तो इनके अपग्रेड आने वाले हैं A72 और A52, और इस बार ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इनके आपको 4G वेरियंट मिलेंगे, और इसके साथ ही 5G स्मार्टफोन्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो जिनको 4G स्मार्टफोन चाहिए कम प्राइस में, वो इनकी तरफ जा सकते हैं। वहीं पे जिनको मिड रेंज सेगमेंट में 5G का फीचर भी चाहिए, उनके लिए भी ऑप्शन आएंगे। गैलेक्सी A72 स्मार्टफोन का BIS सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अगले एक महीने के अंदर इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको इन स्मार्टफोन्स का भी वेट करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में, तो हमने चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सेम गैलेक्सी A52 और A32 का भी लॉन्च ज़्यादा दूर नहीं है, आप मान सकते हैं कि फरवरी मंथ तक ये मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार इन दोनों स्मार्टफोन्स में भी आपको 5G देखने को मिलेगा, और जो A32 स्मार्टफोन है, इसमें आपको डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं पे अगर थोड़े और कम बजट की बात करते हैं, तो गैलेक्सी A सीरीज के दो और स्मार्टफोन आएंगे, जिसमें A12 होगा और इसके साथ A02S स्मार्टफोन होगा, तो इनका भी आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको वेट है गैलेक्सी M सीरीज के स्मार्टफोन्स का, तो गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, और बजट सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस आपको सैमसंग इसमें भी प्रोवाइड करवाएगा। गैलेक्सी M12 के साथ ही दोस्तों एक और स्मार्टफोन आएगा, जो हो सकता है गैलेक्सी F सीरीज का। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने अपनी F सीरीज को भी स्टार्ट किया था, और अब यहाँ पे एक स्मार्टफोन आएगा जो कि हो सकता है F62। इसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि यहाँ पे 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट, जो गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन था, उसको थोड़े कम प्राइस में ये F सीरीज के अंदर लेके आएंगे, और F62 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। इन सभी स्मार्टफोन्स का डिज़ाइन को भी थोड़ा चेंज किया गया है दोस्तों, चाहे हम बात करें इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की, या फिर हम बात करें F62 और M12 जैसे स्मार्टफोन्स की। बैक में आपको यहाँ पे स्क्वेयर कटआउट देखने को मिलेगा कैमरा डिज़ाइन में, तो थोड़ा यूनिक डिज़ाइन सैमसंग के बाकी स्मार्टफोन से आपको लगेगा। तो ये हैं दोस्तों कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको 2 या 3 महीने के अंदर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इसमें चाहे हम बात करें गैलेक्सी S21 सीरीज़ की या फिर A सीरीज़ की, आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड होने वाली हैं। आप हमें बताइए दोस्तों कि आपको इनमें से कौन से स्मार्टफोन का वेट है, और आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।